सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हु व इंस्पेक्टर पवन कुमार की टीम ने अवैध हथियारों के एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए खतरनाक बम बिहार गैंग के सक्रिय दो ऐसे सदस्यों को दबोचा है, जिनमें से एक था तो ट्रक ड्राइवर लेकिन देवेंद्र बम बिहार गैंग में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक था और गैंग में अपनी पहचान बनाने के लिए कनाडा और दुबई में बैठे गैंग के हैंडलर्स और कनाडा में गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्शदीप उर्फ दल्ला के डायरेक्शंस पर मध्य प्रदेश के खरगोन के एक खूंखार आर्म्स मैन्युफैक्चरर से अवैध हथियार खरीद कर बम बिहार गैंग को सप्लाई करने के लिए लेकर आया था। इससे पहले कि वो गैंग से जुड़े लोगों को अवैध हथियार सप्लाई कर पाता, स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज की टीम ने उसे दबोच लिया। गैंग के सक्रिय सदस्यों की पहचान लुधियाना पंजाब निवासी 25 वर्षीय गगनदीप सिंह व नवांशहर पंजाब निवासी 22 वर्षीय बलजीत सिंह के रूप में हुई है। दोनों के पास से 4 जिंदा कारतूस के साथ .32 कैलिबर की 5 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज में तैनात दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन को सूचना मिली थी कि पंजाब के गैंगस्टर और हार्डकोर क्रिमिनल मध्य प्रदेश के अवैध हथियार सप्लायरों से अत्याधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन की टीम ने मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीदने वाले व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया। टीम ने सस्पेक्ट गैंगों के सदस्यों की एक्टिविटी और मूवमेंट पर मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से नजर रखनी शुरू कर दी और अधिक इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए टीम ने मध्य प्रदेश में सीक्रेट इन्फॉर्मरों का जाल बिछा दिया। लगभग 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद टीम के हाथों चौंकाने वाली जानकारी लगी। टीम ने संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा में बैठे खतरनाक देवेंद्र बम बिहार गैंग के हैंडलर्स द्वारा चलाए जा रहे एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट के सदस्यों की पहचान की। देवेंद्र बम बिहार गैंग का नाम आते ही इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन अलर्ट हो गए, क्योंकि पंजाब में देवेंद्र बम बिहार गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराल गैंग की आपस में बहुत बुरी तरह से लगी हुई है। आपसी दुश्मनी की वजह से पंजाब और अन्य राज्यों में दोनों गैंगों के बीच कई बार गैंगवार भी हुआ है। इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन को एक बात का डर सताने लगा कि अगर देवेंद्र बम बिहार गैंग से जुड़े यह लोग मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लेकर पंजाब चले गए तो अवैध हथियारों से पंजाब में आतंक मचा सकते हैं। इसलिए टीम ने गैंग से जुड़े इन सदस्यों की हर एक्टिविटी और मूवमेंट को बारीकी से स्कैन करना शुरू कर दिया। टीम को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिनांक 30 जनवरी 2023 को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि बम बिहार गिरोह के सदस्य गगनदीप सिंह ने मध्य प्रदेश के खरगोन से पिस्तौल की खेप मंगवाई है। गगनदीप सिंह को लेकर टीम ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि दिनांक 30 जनवरी को ही गगनदीप सिंह दिल्ली के रास्ते पंजाब जाएगा। टीम को यह भी पता चला कि दिल्ली में द्वारका पालम रोड पर बस स्टैंड पालम के पास सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच अपने किसी जानकार से मिलने के लिए रुकेगा। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन के नेतृत्व में स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज की टीम ने बस स्टैंड पालम रोड के पास जाल बिछाया। दिनांक 30 जनवरी की सुबह लगभग 11 बजे बैग लिए हुए गगनदीप सिंह को द्वारका पालम रोड स्थित उक्त बस स्टैंड के समीप देखा गया। टीम ने तुरंत दौड़कर उसे दबोच लिया। उसके बैग की तलाशी लेने पर .32 बोर की 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आरोपी गगनदीप सिंह के साथ एक टीम पंजाब भेजी गई। 31 जनवरी की सुबह गगनदीप सिंह की निशानदेही पर उसके सहयोगी बलजीत सिंह को बस स्टैंड फगवाड़ा के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 4 जिंदा कारतूस के साथ .32 कैलिबर की 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई तो पता चला कि गगनदीप पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन वो देवेंद्र बम बिहार गिरोह में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक था। गैंग से जुड़ने के लिए उसने गैंग के सदस्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने बम बिहार गैंग से जुड़े कनाडा के यादविंदर सिंह के साथ अपनी इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप अकाउंट पर चैट करना शुरू कर दिया। गगनदीप सिंह की गैंग से जुड़ने की ललक देखकर कनाडा में रहने वाले गैंग के सदस्य यदविंदर ने गगनदीप को दुबई में रहने वाले एक हनी का मोबाइल नंबर दिया। हनी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर अर्शदीप उर्फ दल्ला से भी जुड़ा हुआ है। हनी ने मध्य प्रदेश खरगोन के एक हथियार निर्माता सतनाम सिंह का मोबाइल नंबर गगनदीप को दिया और उसने गगनदीप से 4 पिस्तौल की खेप मध्य प्रदेश से पंजाब लाने को कहा। इसके बाद गगनदीप ने खरगोन जाकर सतनाम सिंह से 4 पिस्तौल ले ली। गगनदीप ने आगे खुलासा किया कि पिस्टल दुबई में रहने वाले गैंग के एक सदस्य हनी के डायरेक्शंस पर लुधियाना में बलजीत सिंह को सप्लाई की जानी थी। बलजीत सिंह देवेंद्र बम बिहार गैंग का एक और गुर्गा है। दोनों आरोपी देवेंद्र बम बिहार गैंग के सदस्यों की भव्य जीवन शैली से प्रेरित थे और इसलिए वे इस गैंग में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश से पिस्टल लाने के लिए दुबई से हनी ने सतनाम सिंह के बैंक खाते में 70,000 रुपये ट्रांसफर किए थे।
गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ और हथियारों की तस्करी के विभिन्न पुराने मामलों की जांच के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि पंजाब में अवैध हथियार रखने का चलन बढ़ रहा है। पिछले 2-3 वर्षों के दौरान इन गैंगस्टरों और क्रिमिनलों को मध्य प्रदेश स्थित हथियार सप्लाई से अक्सर अवैध हथियार मिल रहे हैं। पंजाब के क्रिमिनलों द्वारा मध्य प्रदेश से हथियार खरीदने के मामलों की जांच के दौरान अर्शदीप उर्फ दल्ला, हनी और यादविंदर सिंह के नाम बार बार सामने आए हैं। जांच में टीम को यह भी पता चला कि अर्शदीप उर्फ दल्ला, हनी और यादविंदर सिंह ने मध्य प्रदेश के हथियार सप्लाई के बैंक खातों में सीधे कनाडा और दुबई से पैसा ट्रांसफर किया और इंडिया में गैंग से जुड़े सदस्यों की मदद से अवैध हथियार पंजाब में गैंगस्टरों को सौंपने के लिए कहा। जांच में स्पेशल सेल की टीम को यह भी पता चला कि आरोपी गगनदीप विक्की गोंदर नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2016 में विक्की गोंदर ने तत्कालीन केएलएफ प्रमुख हरमिंदर सिंह उर्फ मंटू के साथ मिलकर नाभा जेल तोड़ने की साजिश रची थी। विक्की गोंदर ने एसएलआर हथियार से नाभा जेल पर हमला करके केएलएफ के गुरबो हरमिंदर उर्फ मंटू और कश्मीरा सिंह सहित अपने 6 साथियों को जेल से छुड़ाया और फरार हो गया। बाद में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में विक्की गोंदर मारा गया। गगनदीप विक्की गोंदर को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानता है। गैंग के अन्य सदस्यों की पहचान करने और मामले में हथियारों की तस्करी के आगे और पीछे के लिंक की पहचान करने के लिए आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखिए हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।